देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी और कितना थिक आया है इसका जो कलर है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना थिक आया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन फूडीज। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर, बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जो शाही पनीर है वो घर पर ही रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम जो शाही पनीर है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही पनीर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी ग्रेवी। तो सबसे पहले हम शाही पनीर की ग्रेवी ही तैयार कर लेते हैं। तो शाही पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज ले ली है, बारीक कटी हुई दो तीन हरी मिर्च ले ली है, बारीक कटा हुआ लहसुन ले लिया है और हमने यहाँ पर कुछ काजू और कुछ किशमिश ले लिए हैं। दो तीन टमाटर की हमने प्यूरी बना ली है यहाँ पर और एक कप हमने यहाँ पर दही ले लिया है, ये फ्रेश दही है। और यहाँ पर हमने लहसुन प्याज और मिर्च का एक पेस्ट बना दिया है और उसमें हमने अदरक भी डाला है तो उसका हमने एक अच्छा सा पेस्ट सा बना दिया है। और शाही पनीर बन रहा है तो उसमें पनीर तो डलेगा ही डलेगा, तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर ले लिया है और उसको हम अपने क्यूब्स की शेप में काट लेंगे। छोटा बड़ा शेप आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, आपको कौन सी शेप चाहिए पनीर की, हम यहाँ पे क्यूब्स की शेप में काट रहे हैं। तो शाही पनीर बनाने के लिए हम पहले उसकी ग्रेवी को ही रेडी कर लेते हैं। यहाँ गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो आप घी या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर सरसों का तेल यूज कर रहे हैं। अब जो तेल है वो गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें अपने खड़े मसाले डाल देंगे। यहाँ पे हमने जीरा जो है वो डाल दिया है और अब हम इसमें बाकी अपने खड़े मसाले डाल देंगे। ये काली मिर्च डाल दी है हमने और यहाँ पे कुछ लौंग डाल देंगे हम, ये डोडा डाल देंगे और कुछ दालचीनी डाल देंगे और लास्ट में हम इसमें तेज़पत्ता डाल देंगे और एक चुटकी हींग डाल देंगे हम इसमें। अब इनको अच्छे से भुनने देंगे जिससे ये जो अपना टेस्ट है वो अच्छे से छोड़ जाए। अब ये जो खड़े मसाले हैं वो भुन चुके हैं, हम इसमें अपना लहसुन डाल देंगे जो हमने काट के रखा हुआ था, अच्छे से चला लेंगे इनको। मसाले की स्मेल आना स्टार्ट हो गई है और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब इनको भी अच्छे से भुनने देंगे। और अब हम इसमें बाकी में लास्ट में जो हमारी हरी मिर्च हमने काट के रखी हुई थी उनको भी डाल देंगे। अब ये भून चुके हैं तो अब हम इसमें अपना जो प्याज और लहसुन का और जो अदरक का पेस्ट बनाया था हमने पीस करके उसे डाल देंगे जिससे जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से बन जाए। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम बाकी मसालों के साथ। इसे अब हम अच्छे से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें प्यूरी और बाकी चीज़ें डाल देंगे। ग्रेवी है वो पक रही है, हमने यहाँ पर जो मसाले हैं उनका पेस्ट बना लिया है। हमने इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ही ऐड किया है, नमक हमने ऐड नहीं किया है क्योंकि नमक हम बाद में ऐड कर देंगे। तो हमने इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है क्योंकि ग्रेवी में अगर मसालों का पेस्ट बना लिया है यहाँ पर, इसमें हमने लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड किया है और उसमें पानी डाल के एक थिक सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको ग्रेवी में डाल देंगे। 5 मिनट हो चुकी हैं, हमारी ये जो पेस्ट था वो भुन चुका है। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को भी हम इसमें। और अब टाइम आ गया है कि हम इसमें अपनी प्यूरी ऐड करें टमाटर की, तो अब हम इसमें प्यूरी ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखते आ रहे हैं जो ग्रेवी है वो थिक सी होती हुई आ रही है जैसे रेस्टोरेंट और ढाबा पे बनती है। इसे भी हम करीब 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें क्योंकि ये उसके जो
ग्रेवी उसके उछलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर आप ढक दें इसे अगर आप चाहें तो। हम यहाँ पर इसे कंटिन्यूसली चलाने लग रहे हैं। गाइस 5 मिनट हो चुकी हैं और ये आप देख सकते हैं कि जो प्यूरी है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें जो अपने मसाले हैं जो हमने गरा करके रखे थे उनको हम ऐड कर देंगे इसमें। आप इस तरह से ग्रेवी बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इनको भी अच्छे से चला लेंगे हम और मिक्स कर लेंगे इसमें। इसे जब तक भूनेंगे जब तक ये जो ग्रेवी है हमारी वो तेल ना छोड़ जाए। अब हम इसमें पहले दही ऐड कर देते हैं जो हमने रखा था और अब मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। अब फिर से 5 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे और इसे फिर जब तक हम ग्रेवी को जब तक पकाएंगे जब तक कि जो ग्रेवी है वो हमारा तेल नहीं छोड़ जाती है। तो चलिए 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो हमारी ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल दें, लेकिन हम यहाँ पे देसी घी डाल रहे हैं। अब घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो अब हम इसमें अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल देंगे, जो काजू किशमिश हमने रखे थे उनको भी अच्छे से डाल देंगे हम इसमें, और जो पनीर के क्यूब्स हमने काट के हुए रखे थे उनको भी डाल देंगे हम। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इनको। बस अब थोड़ा सा टाइम ही रह गया है और आपकी जो शाही पनीर है वो रेडी होने वाला है। बस देख सकते हैं आप, इसका कलर तो बहुत ही अच्छा खिल करके आया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और करीब 2 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, जिससे जो पनीर वो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ग्रेवी के साथ। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खिल करके आया है, देखिए बहुत ही अच्छे से इसका जो कलर है वो अच्छे से खिल के आया है। अब करीब हम इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। इसको ढक देते हैं हम एक प्लेट की हेल्प से और 2 मिनट के बाद देखते हैं। अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। जो ढाबा स्टाइल शाही पनीर है वो बंद करके बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसका कलर और टेक्सचर कितना खिल करके बाहर आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडियन फूड्स को। तब तक के लिए बाय बाय। सो अभी हमारा शाही पनीर बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडियन फूडीज़ को। तब तक के लिए बाय बाय।